उसके बाद में कांति पेंटर को भी मैं स्टेज पे आने के लिए विनती करता हूँ। कांति पेंटर, कुंवर वसावा ने पूरे 10 साल तक सागबारा और सातपुड़ा के पहाड़ों में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी 90 लोगों की टीम बना के बहुत बड़ा संघर्ष उठाया था। ये कुंवर वसावा की तस्वीर कांति पेंटर ने अपने हाथों से उतारी है, तो उसको आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष शंकर जी तलवाड़े साहब, हम जो आदिवासी है, मैं बहुत सालों से कहता आया हूं, हम इस देश के मूल निवासी है, हमको भी इस देश में जीने का अधिकार है, हम भी जी सकते हैं इस देश में, हम इस देश के मूल निवासी और हमारा कोई धर्म नहीं है, आदिवासी जात यही हमारा धर्म है, आदिवासी जात यही हमारा धर्म है। हमारे आदिवासी देव देवताओं को शराब का देते हैं, मुर्गे का भोग देते हैं, बकरी का भोग देते हैं, पहाड़ों में हमारे देव है, पेड़ के नीचे हमारे देव, झारखंड से लेकर कहीं भी हिंदुस्तान में लेके आओ, मैं अब सभी आदिवासियों के और मेरे क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से पूरे देश में घुमा। और अभी अभी मेरी बहन ने बताया, हम जनप्रतिनिधि जो है क्या करते हैं, जिसके उसके राज्य में, लोकसभा में, सांसद में, अभी अभी 2006 में आदिवासियों के जंगल पट्टे देने के लिए जो कानून बनाया, हम मांग रहे थे 1972 से 78 तक हमारी जो जंगल जमीन है, अतिक्रमण की है, वो हमें मिलना चाहिए, लेकिन इस यूपीए सरकार ने 2006 में कानून बना के 2005 तक का जिन्होंने जंगल जमीन का अतिक्रमण किया है उनको पट्टे देने के काम शुरू है, और उसके 2000 के बाद में हमने आदिवासी ने जंगल संभालने का है, हम जंगल के रखवाली है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, ये किसी की मालिकी के नहीं है, राष्ट्र की मालिकी के या नहीं, हमारी मालिकी की है। ये 2005 के बाद में कोई भी आदिवासियों ने जंगल अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, ये मैं आपका प्रतिनिधि के हिसाब से आपसे विनती करता हूँ। यहाँ पर 1950 में संविधान ने हमको रिजर्वेशन दिया है, इसके लिए मैं सांसद बन, बाकी के जो जो प्रतिनिधि है वो सब विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, ये इसीलिए हम थोड़ा हमारे पैर पर खड़ा होने के लिए कोशिश कर रहे हैं अभी तक। और मैं सरकार से, भारत सरकार हो या कोई भी सरकारें हो, उसे एक ही मांग करता हूं कि हमारे लड़के हो या लड़कियां हो, उनको दर्जेदार शिक्षा दो, और जिनके पास जमीन है उनको पानी दो, ये दो ही मांगे मैं हमेशा भारत सरकार में करता हूँ, पार्लियामेंट में करता हूँ, भारत सरकार में करता हूँ। हमारे पूर्व सांसद सोमजी भाई डामोर साहब जो यहाँ पर आए और अपना वक्तव्य प्रदान करें, आदरणीय डामोर साहब। सम्मेलन के अध्यक्ष महोदय, आज का ये हमारा समय आ गया है हमारे लिए, सभी देश के जो 11 करोड़ आदिवासी एक आवाज भी जो खड़े नहीं होंगे, तो भविष्य में हमारा कोई कुश्ती वाला नहीं रहेगा। आप देखेंगे इतनी सालों में हमारा क्या हुआ है, जितना शोषण अंग्रेजों में नहीं हुआ था, इतना शोषण आप पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है हमारा। हम आदिवासियों को नारा है, हम आदिवासियों को नारा है, जय आदिवासी, जय आदिवासी। और आप से यहाँ से जाएंगे ना तो कोई जय श्री कृष्णा के, कोई राम राम बुद्ध नहीं बोलवा, तू बोलवानो एक दिन हाथ मिलाओ तो जय आदिवासी, मरिए तो जय आदिवासी, तने छूटा पड़िया तो पर जय आदिवासी, तो बोलो फिर जय जोर से, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी। तारचंद जी बबरा साहब, आप यहाँ पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। बबरा साहब, आजादी के लगभग आज 64 साल गुजर जाने के बाद भी हम आदिवासियों में कहीं कहीं आपस में
कोई अगर लड़ाने की बात करे तो हम लड़ करके एक दूसरे के विरुद्ध चल करके आज भी एक मंच पे नहीं है। चाहे यहाँ कितने भी उपस्थित हैं, फिर भी आज एक मंच की जो बात करते हैं वो हमें नजर नहीं आती है। जबकि अन्य समाजों में, और ये कलयुग का सिस्टम है, जिस जिस समाजों में संगठन होगा, एकता होगी, वे राष्ट्रीय मुख्य धारा में जुड़ने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर जिसके पास होगा वो अपने आप अपने समाज का विकास करने में सक्षम होगा। ये बात मैं आपको जो हकीकत में हो कहना चाहूंगा। जब तक समाज में शिक्षा नहीं होगी तब तक ये समाज मुख्य धारा में जोड़ने में बहुत विलंब होगा। इसलिए मैं यहाँ उपस्थित मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले गांव गांव ढाणी ढाणी में जहाँ स्कूलों का अभाव है, कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जहाँ शिक्षा अनिवार्य शिक्षा हमने अभी पार्लियामेंट में 2 साल पहले पास किया है, उसके माध्यम से हमारा विचार है कि कोई हिंदुस्तान का ग्रामीण समाज का रहने वाला बालक अनपढ़ नहीं रहे। इस समाज का एक शानदार और जानदार जलसा होता है 12 महीने में एक बार, इसमें उपस्थिति हम दर्ज कराते हैं समाज का एक नागरिक के हैसियत से, मंत्री एमएलए एमपी के हैसियत से नहीं, कि गोविंद गुरुजी के नेतृत्व में ने लोगों ने घरबार छोड़ दिए थे, बाल बच्चों को उठा के लेके इस जंगल के टेकरी टेकरी और पत्थर पत्थर पे ऊपर आके बैठ गए थे और कहा था इस देश से आजादी हम लेके छोड़ेंगे, वेद विकार को खत्म करके छोड़ेंगे और अंग्रेजों को इस देश से भगा के छोड़ेंगे हम। इतना बड़ा पंडाल भरा हुआ, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या हम आजाद भारत के नागरिक हैं या नहीं है? नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमको होना पड़ेगा। कि जब महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराया था तब भी महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरा मकसद तो इस देश को आजादी दिलाना है, आप अपनी अपनी पार्टियां बनाओ और अपना अपना राज करो। और इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि जिसका मन मिले जिस पार्टी में डट के जाओ, डट के पार्टी का प्रचार करो, डट के चुनाव लड़ो, डट के नेतृत्व करो, लेकिन आदिवासी समाज को मत भूलो। जो भी हमारे आदिवासी मंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, इन सब को इकट्ठा करो और अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं तैयार करो, मुख्यमंत्री से बात करो, राज्यपाल से बात करो और नीज में तो राष्ट्रपति जी के सामने जाके अपनी बात कहो कि मान महामहिम राष्ट्रपति महोदया, संविधान की धारा 5 के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल को, राष्ट्रपति महोदय को अलग से आदिवासी विकास करने का कानून में व्यवस्था की हुई है, उस कानून का हम उपयोग करना चाहते हैं हमारे आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए। ये जब तक बात जाके नहीं कहोगे तब तक हमारा क्षेत्र का और समाज का भला हो नहीं सकता है। इस पवित्र भूमि को, वीर भूमि को मैं विनम्र वादन करता हूँ, इस उफान की भूमि को मैं सलाम करता हूँ। हमने भी सोचा था कि इस वीर भूमि के यहाँ हमारे कोच जो दबाए गए इतिहास था वीरों का, थोड़ा बहुत उसका संकलन करके एक पुस्तक के रूप में आपके सामने लाए, वो हमने एक प्रयास किया है। यहाँ वारों सरोड़े दादा ने आदिवासी एकता परिषद के विचारधारा का बात के बारे में बात बताई थी, उसमें थोड़ा एक हमें भी जो आज 2-4 दिन पहले आत्मसम्मान के बारे में, अस्मिता के बारे में हमें जो समझ आई, सीखने की बात आई, वो मैं आपके सामने बताना जरूरी समझता हूँ। ये 4-5 तारीख नासिक महाराष्ट्र में आदिवासी साहित्य सम्मेलन हुआ, वो साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हमारे पुष्पाताई गावित हमारी आदिवासी महिला थी। वहां पे आदिवासी सेवा पुरस्कार भी कार्यक्रम था और आदिवासी साहित्य सम्मेलन ऐसा सब एक बड़ा प्रोग्राम वहां पे था। जो मंच में जो पहली लाइन में जो बैठे थे मंत्रीगण और दूसरे बड़े साहित्यिक थे, लेकिन हमारे वही सम्मेलन के अध्यक्ष पुष्पाताई गावित उनको पहली पंक्ति में नहीं बैठाया गया। हमें ये नहीं उस टाइम नहीं समझा था ये इसमें अस्मिता का
खंड हुआ या हमें वहां भी मिश्रा की भूमिका से देखा गया। लेकिन जब साहित्य सम्मेलन का बारे में और पूरा आदिवासी समाज के विचारधारा के बारे में दुख के बारे में जब वहां पे एक मुलाकात एक इंटरव्यू लिया गया भारत सोनर दादा का, उसमें उन्होंने वो बात बताई कि हमें आज भी यहाँ पे नकारा गया है। हम अस्तित्व की बात कर रहे हैं, हमें यहाँ भी हमारे सामने हमारे कार्यक्रम में हमारे अध्यक्ष को यहाँ नकारा गया है, हमारा अपने आत्मा सम्मेलन को यहाँ नकारा गया है। हमारे आदिवासी मंत्री थे पद्माकर वाली, वो कार्यक्रम के वो अध्यक्ष थे, लेकिन उनके पहले जो वक्तव्य किया गया कि जो प्रमुख आदिवासी मंत्री था दूसरा बिगर आदिवासी जाति का, उसका भाषण बाद में होगा और पहले अध्यक्ष का पहले भाषण ले लेगा। तो ये दोनों चीजें हमारे अस्तित्व के ऊपर वो हमारे मूलधारा के ऊपर हमारे विचारधारा के ऊपर और भी आक्रमण करते रहे। दो चार दिन पहले मेरे हाथ में ये एक पेपर का कटिंग है, आदिवासी के शोषण, अंडमान के जारवा आदिवासी, उनको उनके भूखे पेट के लिए उनके ऊपर शोषण, उनकी मजबूरी का फायदा कैसा दिया गया, हमारे बाप बहनों को वहां नंगा नाचवा के दुनिया के सामने वो उसको विकृतिकरण दिखाया, हमारे जीवन को वो उन्होंने विकृतिकरण किया। हमारे भारत के कोई भी मीडिया ने, यहाँ मीडिया भी है, विचारवान भी है, लेकिन किसी भी ने हमारे भारत के मीडिया ने ये बात सामने नहीं लाई। सामने किसने लाई? अंग्रेजी दैनिक, ब्रिटिश दैनिक ऑब्जर्वर ने वो बात सामने लाई। ये इतना हमारे ऊपर आज ही अत्याचार हो रहा है, तो हमें ये एट्रोसिटी कायदा जो भारत सरकार ने पास किया है इसमें भी खामियां होगी ऐसे मुझे लगता है। ये कानून आदिवासी के अत्याचार के लिए सही काफी नहीं है। इस कानून में बदलाव लाने के लिए यहाँ पे नेतागण बैठे हैं, समाज को ऊंचा उठाने के लिए जो कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं उन लोगों का काम है, हमारा काम है, जो भी हमारे आदिवासी के ऊपर अत्याचार करेगा, उसका शोषण करेगा, उसके सिर दबा दी जाएगी, ऐसा भी एक कानून हमें बनाना पड़ेगा। ये आदिवासी तू इस देश का मूल निवासी कहलाता है तो फिर तेरे मुल्क में क्या हो रहा है पता है? तेरे मां बहनों के भूखे पेट के लिए नाचना पड़ता है, अज्ञान गरीबी की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, तू कब तक सहते रहेगा, तू कब तक रोते रहेगा, तुझमें कुछ भावना है कि नहीं, तू लिखा पढ़ा हो गया है, तुझे आप समाज में समझने लगा है, हमारे अस्मिता अस्तित्व स्वाभिमान आत्मसम्मान क्या है, अब तुझे निश्चय करना है, अन्याय अत्याचार के लिए लड़ना है, समाज के हित में व्यवहार करना है, अगर ये नहीं कर सकता तो ये धरती पर कुछ मूल निवासी कहलाने वाला आदिवासी का नामो निशाना नहीं रहेगा। मानगढ़ के इन शहीदों को यही मेरी श्रद्धांजलि होगी, सलामी होगी, जय आदिवासी। कि आज इस पावन धरा पर महाकुंभ से भरा हुआ ये मानगढ़ धाम को देखते हुए हृदय दगदग हो रहा है। भाई और बहनों, मैं ज्यादा इतिहास को नहीं जानती हूँ, लेकिन आप सबको जो जिन नेताओं और जिन समाज सेवियों को बात करी हुई सुनाना चाहती हूँ। जिस मानगढ़ धाम पर हमारे जो गोविंद गुरु
बैठी हुई हमारी बहनें भी है, लेकिन हमारे समाज को लड़ाइयां और लड़नी बाकी है। जिस तरह से मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि आज हमारे समाज में मदिरापान चलता है, सबसे बड़ा अगर घातक हमारी युवा पीढ़ी को समाप्त अगर कर सकता है तो यह मदिरापान है। आमंत्रित करता हूं हमारे दिलीप सिंह जी भुरिया साहब, आपका इस मंच से आपका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। आप यहां पर आए और एकता परिषद में अपने विचारों को प्रदान करें। भुरिया साहब, हमारा जब संविधान बना तो संविधान में सबसे ज्यादा चर्चा आदिवासियों के बारे में हुई। उसमें यही चर्चा हुई कि इस देश का आदिवासी 10 करोड़ आदिवासी है, दुनिया में 30 करोड़ आदिवासी है। ये जो 10 करोड़ आदिवासी है जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। अगर ये जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं तो मेन स्ट्रीम लाइन में हम कैसे लाए? पहले हमारा 10 साल का रिजर्वेशन हुआ और हर 10 साल के बाद हमारा रिजर्वेशन बढ़ जाता है। पंचायती राज का मतलब यह है कि अब लोग गांव के लोगों को सत्ता देना, हमारा गांव और हमारे गांव में हम राज करें, जल जंगल और जमीन का फैसला हम करें। अगर यहां सारे आदिवासी भाई बैठे हुए हैं तो मैं आदिवासी भाइयों से यह कहना चाहता हूं, हमको सिर्फ प्रॉब्लम है इस कागज से, इस कानून से। कौन सा आदिवासी कानून जानता, रूल्स जानता, रेगुलेशन जानता, कोई बता। हम लोग एमपी बने या मंत्री जी बैठे, बहुत से कानून हम लोग भी जानते। कानून को कैसे लिखना, कानून को कैसे इंप्लीमेंटेशन करना, ये जो है सरकारी अधिकारियों का काम है। मैं आदिवासी भाइयों से कहना चाहूंगा, हम इस देश के मूल निवासी, इसलिए संविधान ने आदिम जाति हमारा नाम रखा है। हमारा हिंदी में क्या नाम है? आदिम जाति। ये भारत की धरती में अगर सबसे पहले आए तो हम लोग आइए, वो धरती हमारी है, ये देश हमारा। मैं आपसे कहूंगा इस देश का जहां जंगलों और पहाड़ों में जो आदिवासी रह रहे हैं, एक भी झोपड़ी नहीं हटा, आप वहां का महार है। ये सरकार अपना रिकॉर्ड ठीक करे, हमको ठीक करने की जरूरत है, हमें ये कागज सरकार। महासचिव अशोक भाई चौधरी साहब से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वो आदिवासी एकता परिषद की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। चौधरी साहब, आदिवासी एकता परिषद की भूमिका के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में रखने की कोशिश करूंगा। मुख्य रूप से समस्या क्या है, तो समस्या यह है कि मानव जात 70 लाख साल पहले पैदा हुई और इस प्रकृति के साथ जीती थी। करीबन 13,000 साल पहले हिम युग की समाप्ति हुई और कृषि की शुरुआत होने से जंगल काटने का हम लोगों ने शुरू किया। हम लोगों ने यानी कि दूसरी सभ्यताओं में, आदिवासियों ने कृषि की ही नहीं, ये हम 100-200 साल से खेती कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। तुम्हें कितनी डिविडेंड तक पानी भर रहे तो दूसरे सभ्यताओं में कृषि करवाने की शुरुआत की तो इसमें से संपत्ति पैदा होने की भी शुरुआत हुई। जमीन हुई तो जमीन कभी माता थी, उसके बदले एक जैसे जंगल था धरती कहलाते थी, इसमें से जमीन कहने लगी थी। वैसे महिला जो थी वो महिला माता थी, इतना छोटा बच्चा उसको दूध पिला के बड़ा करना बहुत ही कठिन काम है, हम सब लोग समझते हैं, लेकिन वो काम वो करते थे। तो वो माँ थी, इसमें से वो महिला बनी।
कैसे महिला बने, जो मातृ प्रधान व्यवस्था थी वो मातृ प्रधान व्यवस्था में से पितृ प्रधान व्यवस्था में उसका रूपांतरण होने लगा। इसलिए माता मुखिया थी, इसमें से पुरुष मुखिया हो गए, क्योंकि पुरुष ये रूसी शुरू होने से थोड़ा शक्तिशाली थे, इसलिए वो शक्ति का इस्तेमाल उन्होंने